सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल और गुड मॉर्निंग। और सुबह के बजाय 5 o'clock हो रहे सुबह का और मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस पे। तो मैं निकल चुका हूँ घर से और जा रहा हूँ प्रैक्टिस पे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, कल शाम से शाम 5 बजे से कंटिन्यूसली बारिश हुई है, तो ज़मीन बहुत है, बहुत वेट है, तो शायद प्रैक्टिस तो होगी क्योंकि हम सैंडी एरियाज पे करते हैं, तो वहाँ पर पानी ज़्यादा होगा नहीं, तो प्रैक्टिस तो होगी। बट स्टिल देखते हैं क्या सीन है फिर भी आगे चलकर, और आपको मैं दिखा देता हूँ। कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से रोड सब पूरा गीला वीला है, एकदम वेट है, और सी देखते हैं क्या होता है वहाँ पे चल के। गाइस सीन कुछ ऐसा, देखिए पूरा गीला गीला, पूरा गीला एकदम, सब कुछ गीला हो गया बारिश की वजह से, और वहाँ पता नहीं क्या होने वाला है। प्रैक्टिस तो करनी है, देखिए पूरा सैंड, क्योंकि ऐसी एरियाज सैंडी एरियाज पे करते हैं प्रैक्टिस, तो सैंडी एरियाज में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल रोड बहुत गीली और मौसम में भी लगभग साफ ही हो गया है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो गाइस सीन कुछ ऐसा, आगे फाटक बंद है, ट्रेन आने वाली है और ये हमारा रास्ता रोक कर रखी है, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, ट्रेन को जाने देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा ही दूर है बस यहाँ से प्रैक्टिस वाली एरिया, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अपनी प्रैक्टिस वाली एरिया पे, और यहाँ पे प्रैक्टिस होने को है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि उतना भी गीला नहीं है यहाँ पे, सब सूखा सूखा ही है, और चलिए देखते हैं आज वही प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बेसिक फ्लिप्स और शाम को एडवांस करेंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको एरिया कुछ कैसा हो रहा है और क्या सीन है अभी। तो गाइस एरिया कुछ इस टाइप का है और ऑलमोस्ट सूखा ही है, हाँ थोड़ा बहुत नमी है बट स्टिल ठीक है, हमको तो प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, हमारी सैंडी एरियाज पे, ये यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीन कुछ ऐसा है, प्रैक्टिस हुई है और बारिश भी हो रही थी बहुत धीरे धीरे, लेकिन प्रैक्टिस हुई है, पसीना बहुत बहा है आज, और मे भी लैंडिंग अभी आ नहीं रही है शूज़ को, जिस मेरे को थोड़ा हैवी लग रहा है पैर में, क्योंकि मैं हमेशा से बिना शूज़ के प्रैक्टिस करता था, और अब शूज़ पहन के ही प्रैक्टिस करूँगा कंटिन्यूसली, क्योंकि जितना अभी प्रैक्टिस करूँगा उतना बाद में मेरे लिए परफेक्शन ज़्यादा सही होगा, सो दैट्स वाई मेरे को अब शूज़ पहन के प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे आज ये पता चल गया है। और मेरी एक मेजर मिस्टेक थी बैक हैंड स्विंग में, जब बैक हैंड स्विंग मारता था तो मेरे लेग्स जो होते थे वो मतलब सेपरेट हो जाते थे, बीच बहुत गैप आता रहा, तो उसको अभी क्लीन कर रहा हूँ मैं। और गाइस मैं तो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर्स हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते करते, बट क्लीन बहुत कुछ किया हूँ, बहुत कुछ नहीं किया हूँ। सो गाइस सपोर्ट करो यार, मैं प्रैक्टिस करते रहूँगा और डेली व्लॉग डालता रहूँगा। अभी तो फ़िलहाल घर जा रहा हूँ, घर जाकर बात करते हैं आपसे। तो गाइस अभी का सीन ये है कि मैं प्रैक्टिस करके घर आ चुका हूँ, मतलब घर पहुँच गया हूँ, और अब ब्रेकफास्ट वगैरह किया जाएगा। तो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ और प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हुई बारिश की वजह से, बहुत गीला गीला अजीब सा लग रहा था मौसम, वैसे ही भीड़ा हुआ है, और यार गाइस ये बारिश के मौसम में प्रैक्टिस हो नहीं पाती इतनी अच्छी। मैं भी देखते हैं आज कुछ नया चैलेंज करेंगे, 10 बैक हैंड स्विंग, अगर वेदर शाम तक इवनिंग तक अगर अच्छा रहता है तो प्रैक्टिस करेंगे ग्राउंड में, तो मिलते हैं शाम को। हे गाइस शाम के 5 बज रहे हैं और चलते हैं प्रैक्टिस पे, हल्की हल्की बारिश हो रही है और तेज़ होगी तो प्रैक्टिस कैंसिल करनी पड़ेगी, और ग्राउंड भी शायद गीला है, तो चलिए देखते हैं क्या सीन है आज का, और अभी देखते हैं ग्राउंड की क्या है पोजीशन या कंडीशन, तो चलिए नीचे चलते हैं। Oh,
गाइस 10 बैक हैंड स्प्रिंग चैलेंज करने वाले हैं अभी, जो कि मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया है, तो लेट्स सी देखते हैं होता है या नहीं। तो उससे पहले वार्म अप कर लिया जाए, तो मिलते हैं आपको चैलेंज के टाइम। तो गाइस बारिश तेज हो चुकी है और हमको जाना पड़ेगा घर, बहुत तेज होने लग गई बारिश और प्रैक्टिस कैंसिल हो ही गई ऑलमोस्ट, बारिश होने लग गई। और बारिश दिखा रहा हूँ कितनी जोर से हो रही है आपको, गाइस देख लीजिए जोर से बारिश होने लग गई है। और वो हमारा टायर पड़ा है वहाँ पे, वो देखिए, और इतनी ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई है, हमको भाग कर वापस आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं, अगर थोड़ी देर में बारिश बंद होती है प्रैक्टिस करने वापस जाएंगे। तो गाइस अगर थोड़ी देर में बारिश बंद होती है तो प्रैक्टिस करने वापस जाएंगे, और नहीं होती तो फिर कैंसिल करना ही पड़ेगा देन सुबह 4 बजे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है और प्रैक्टिस कैंसिल करके क्या भाग कर आना पड़ा है, बहुत ज़ोर से स्टार्ट हो गई है बारिश। तो चलिए देखते हैं क्या है बाहर का सीन, बारिश तो हो रही है फिर भी देखते हैं कैसा लग रहा है व्यू बाहर का। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, कितना प्यारा लग रहा है बाहर, ग्रीन ग्रीन, भले ही बारिश हो रही है हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, बट ये व्यू देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है बाहर जाकर भीगे, बट कोविड के टाइम नो भीगना गाइस, तबीयत खराब हो सकती है, आप भी ऐसा ट्राई ना करें। बारिश बंद हो चुकी है और हम आ गए हैं दोबारा बैक हैंड स्प्रिंग चैलेंज लेकर, तो आज 10 बैक हैंड स्प्रिंग मारेंगे। अगर मैं ना कभी ट्राई नहीं किया हूँ, शायद हो जाए या नहीं भी हो सकता, बट मेहनत तो है इसमें भी, तो आज हम करेंगे और कुछ और करेंगे। बापू जमीन पूरी गीली है, गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, बट हम आज करेंगे, मतलब करेंगे। बारिश प्रैक्टिस हो चुकी है, थोड़ा बहुत भीग भी गए लेकिन कोई इशू नहीं है, और आज जो स्टंट्स नहीं आते थे वो अटेम्प्ट किए हैं। तो गाइज आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर न्यू हो तो गाइज इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। अगर मेरी वीडियो आपको मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे ट्रिक्स्टर और फ्लिपर भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी फ्लिपिंग और ट्रिकिंग में कहीं भी मिस्टेक्स आपको दिख रही हैं, मेरी व्लॉग आप तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कैसे फ्लिप करूं, और मैं वैसा करूंगा, और देखें शायद परफेक्शन आएगी। अगर आप लोग मेरे को ऐसा बोलोगे कमेंट में, अगर बोलो कि आप ऐसा करो तो मैं ऐसा करूंगा और परफेक्शन लाऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स्टर और फ्लिपर का नाम ऊँचा होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। तो गाइज आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ।